हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया हायर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, रिप्लेसमेंट थ्योरी के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम दो क्लासेस लगा चुके हैं जिसमें आपको रिप्लेसमेंट थ्योरी के बारे में बताया गया है। फर्स्ट हमने किया था जिसमें आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो डिटोरिएट हो जाते हैं विद द टाइम, बट वहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया जाता है। और सेकेंड केस आपका बनता है जहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर किया जाता है, कि हमने यहाँ पे डिसाइड करने होते हैं कि हमें जो मशीन है वो कब रिप्लेस कर लेनी चाहिए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने कल किया था, एक हम आज करके देखेंगे। देन उसके बाद एक क्वेश्चन हम करेंगे, क्या हमें इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करने में फ़ायदा है या ग्रुप रिप्लेसमेंट करने में फ़ायदा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है चैनल को शेयर कीजिए। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, एन इंजीनियरिंग कंपनी इज ऑफर्ड अ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ए। इक्विपमेंट ए उन्होंने परचेज करना है, ऑफर्ड है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है जो ए इज़ परचेज, मतलब जो प्रोडक्ट है ए वो परचेज किया गया है 60,000 का ओरिजिनली, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है उनकी जो एस्टिमेटेड करके 10,000 है फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर। पहले 5 साल की उनकी जो मेंटेनेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो वो 10,000 है, एंड इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय 3,000। तो हर साल 3,000 के साथ, उसके बाद 5 साल के बाद हर साल जो है 3,000 के साथ ये इंक्रीज़ हो रही है फ्रॉम द 6 एंड सब्सिक्वेंट ईयर। 6 ईयर से लेके जितना भी ईयर हमें बताया गया होगा तो वहाँ तक है जो वो हर साल 3,000 के साथ इंक्रीज़ हो रही है। पहले जो 5,000 है वहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट है 10,000। द कंपनी एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 10% ऑन ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट। सारी इन्वेस्टमेंट पे कंपनी 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है। तो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड हमारा क्या होना चाहिए? अज्यूम दैट मेंटेनेंस कॉस्ट इज इनकर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड में इनकर होती है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें कॉस्ट चाहिए और ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, ये हमें पता है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो आपका ये 10% पे लगेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बताया उन्होंने, 10%। अभी इन्वेस्टमेंट है जो वो आएगी, फ्यूचर में आएगी ना, जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं, रिटर्न फ्यूचर में आएगी 10% के हिसाब से। तो जो वो आर है आपकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपका वो 10%। तो यही हम यहाँ से हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी निकालेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इस तरह से आपने सारे कॉलम बना लेने हैं। सबसे पहला कॉलम बनेगा ईयर का, ठीक है, ईयर का कॉलम बनेगा। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट का, देन डिस्काउंट फैक्टर जो है आपका 10%, डिस्काउंट फैक्टर हमें बनाने होंगे। देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। देन जो हमने बनाया होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका क्यूमुलेट करेंगे, क्यूमुलेट करने के बाद टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट के बाद प्रेजेंट वैल्यू जो फैक्टर है आपका उसका क्यूमुलेट करोगे, देन आप वेटेड कॉस्ट निकालोगे। तो सबसे पहले ईयर्स ले लेते हैं, एस्टिमेटेडली 5 ईयर्स उन्होंने बोल ही दिया है तो हम 10 ईयर तक इसको लेके चलते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट 5 ईयर है वहाँ तक तो है 10,000, उसके बाद ये हर साल 3,000 के साथ इंक्रीज हो रही है। तो 6 ईयर में बन जाएगी 13,000, 10,000 में 3,000 ऐड कर देंगे, देन 13,000 में 3,000 ऐड किए 16,000, देन 19,000, देन 22,000, देन 25,000। तो ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी। अब हमें डिस्काउंट फैक्टर निकालना है। तो जो हमारी आर है, आर कितनी है, हमारा रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो है 10%, इंटरेस्ट नहीं सॉरी यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और जो हमारी सी है कॉस्ट है वो हमारी है 60,000। तो आपको फैक्टर कैसे निकालने होते हैं, 1/1 + r उसकी पावर n, एंड जितने साल के लिए हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का निकाल के देख लेते हैं,
वन डिवाइडेड बाय वन प्लस, जब आप 10 का परसेंटेज रिमूव करोगे तो वो बन जाएगा 0.10। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर है, इसकी पावर 1 नहीं रहेगी, तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो 1 प्लस 0.10 ये बन गया आपका 1.1। इसको आपने 1.1 को डिवाइड करना है 1 के साथ, तो आपका फर्स्ट ईयर के लिए ये आ रहा है 0.909। ओके, अब सेकंड ईयर के लिए, अब इस चीज़ को सॉल्व करके हमारा कितना आया था 1.1। अब सेकंड के लिए इस तरह से कुछ बनेगा, उसकी पावर 2 हो जाएगी। थर्ड के लिए अगेन इस तरह से कुछ बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10, उसकी पावर 3। इसको 3 बार आपने लेना है। तो नीचे सॉल्व करके हमारा 1 आया था, 1.1 है ना, 1.1 को 2 बार लेना है हमने, तो कितना आ गया हमारा सॉल्व करके अब 1.21, 1 डिवाइडेड बाय 1.21। इसको सॉल्व कर लिया तो ये आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.826। ठीक है, इस तरह से हमने सारे सॉल्व कर लेने हैं। अब दो बार सॉल्व करके हमारा इतना आ रहा था 1.21, दो बार सॉल्व करके इतना आ रहा था, और एक बार सॉल्व करके आ रहा था 1.1। 1.21 को 1.1 के साथ अगेन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन रहा है हमारा 1.331। अब इसको हमने डिवाइड करना है 1.331 के साथ, तो ये बन गया हमारा थर्ड ईयर के लिए 0.751। ठीक है, थ्री नंबर्स तक हम लेते हैं, तो इस तरह से आपने सारे 10 ईयर्स तक सॉल्व कर लेने हैं। तो सॉल्व करके हमारे पास जो आ रहा है हमने इस कॉलम में ले लेने हैं 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.564, 0.513, 0.466, 0.424 एंड देन 0.385। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डिस्काउंट फैक्टर। अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब वर्ड साथ में ऑफ लग गया तो हमें क्लियर है कि हमने दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो जो आपका कॉलम सेकंड है और कॉलम थर्ड है, इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई आपस में। ठीक है, 10,000 को मल्टीप्लाई किया 0.909 के साथ, तो ये बन गया आपका 9090, देन 8260, देन 7510, देन 6830, देन 6210, देन 7332, देन 8208, अगेन 8854, 9328, 9625। तो इस तरह से हमारा ये कॉलम भी बन गया है, हमने दोनों की क्या की है, मल्टीप्लाई की है और कुछ भी नहीं किया। तो अभी हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी ये नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी ये है, हम इसका क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव बना लेते हैं। पहला वाला तो ऐसे ही आ गया, अब पहले वाले के बीच में सेकेंड वाला हमने ऐड कर देना है, प्लस 8260, तो ये आपके पास आ गया 17350। अगेन प्लस करोगे इसी के बीच में 7510 अगले वाला, तो ये आ गया आपका 24860। अब इसी के बीच में ये वाली चीज़ ऐड हो जाएगी, नेक्स्ट वाली 6830, तो ये बन गया आपका 31690। इसी तरह से सारे सॉल्व करके क्यूमुलेटिव बना लेते हैं हम, 37900, देन 45232, देन 53440, 62294, 71622, 81247।
तो ये बन गई आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हमने क्या करना है, ये क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट बन गई हमारी, अब हमने निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो आपकी कॉस्ट इनिशियल आपको स्टार्टिंग में बताई हुई है वो कॉस्ट प्लस क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो हमारी कॉस्ट कितनी है, 60,000। 60,000 के बीच में ये सारी चीज़ें हैं जो वो ऐड होती जाएंगी। 9090 प्लस 60,000, 17350 प्लस 60,000, 24860 प्लस 60,000, इस तरह से आपको इसको ऐड करना है और टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाना है। तो कर लेते हैं ऐड, 60,000 है ना, 9 के साथ करना है, 69090। फिर हमारे पास आया 77350, देन 84860, 91690, 97900, 105232, 113440, 122222, 94131622, देन 141247। तो ये बन गई हमारी टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट के बाद अब हमें जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट किया था ये वाला, अब हमने इसका क्या करना है, क्यूमुलेटिव बनाना है, ठीक है। क्यूमुलेटिव बना लेते हैं इसका, क्यूमुलेटिव बना के जितना आएगा उसको टोटल कॉस्ट को ऊपर रख के इसके साथ डिवाइड कर देना, तो हमारी वेटेड कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसका हमने क्यूमुलेटिव बनाना है। तो जो फर्स्ट वाला आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसमें आप 1 ऐड करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में 1 को ऐड करना है हमने, 1 प्लस 0.909, तो ये बन गया हमारे पास 1.909। अब इसी के बीच में ये जो आपके पास आ चुका है इसके बीच में हमने ऐड किया 0.826, तो ये बन गया 2.735। अब इसके बीच में 0.751 को ऐड किया तो बन गया 3.486, ठीक है। तो इस तरह से सारा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लिया हमने। अब हमने वेटेड कॉस्ट निकालनी है, तो जो आपकी ये वाली टोटल कॉस्ट आई है ये वाली सारी की सारी एक एक को इसके साथ क्या कर देना, आपने डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करके आपके पास आ गया ये आपका वेटेड कॉस्ट, ठीक है। अब आप देख लो इसमें से सबसे लोएस्ट लीस्ट कॉस्ट आपको कहाँ पर पड़ रही है। लीस्ट कॉस्ट देखो ये रही, सेवन्थ ईयर में है 19335, ठीक है। अब एट्थ ईयर में है 19311, ये कम हो गई यहाँ पे, तो ये यहाँ से फिर में इंक्रीज़ होने लगी। नाइन्थ ईयर में 19479, ये इंक्रीज़ हो गई ना। तो अभी हमारे जो डिसीज़न रहेगा वो रिप्लेसमेंट का, वो रहेगा एट्थ ईयर में, कि यहाँ पर हमारी जो वेटेड कॉस्ट है वो मिनिमम है एट द एंड ऑफ एट्थ ईयर, उसके बाद वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो इक्विपमेंट है शुड बी रिप्लेस्ड इन एट्थ ईयर, तो अगर हम अभी परचेज करते भी हैं तो 8 साल के बाद हमें रिप्लेस करना चाहिए, करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका रिप्लेसमेंट, इक्विपमेंट का रिप्लेसमेंट, जहाँ पे मनी वैल्यू को भी कंसिडर किया गया है। तो बहुत ही ईजी सा टॉपिक है ये, इसको स्किप मत करना, ज़रूर देखना वीडियोज़। ऐसा भी नहीं है कि ये आपको कम इम्पॉर्टेंट लगता है तो आप इसको छोड़ कर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसी में से आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ईजी है, एक बार देखो आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, थैंक यू।